बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा ME2 का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। इससे पहले अभी तक हमने ME2 के अंदर CVP एनालिसिस देख चुके हैं। आज हम डिसीजन मेकिंग पे बात करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो है रेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? तो रेलिवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हमारे डिसीजन की वजह से या हमारे डिसीजन को इफेक्ट कर रही है। वो कॉस्ट क्या है? रेलेवेंट। तो अगर हमें डिफरेंट कॉस्ट दी जाए और हमसे पूछे कि बताओ डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, तो वो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? पहली बात, रेलेवेंट कॉस्ट फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश और अनअवॉइडेबल। अगर एक चीज अवॉइडेबल है तो वो क्या है? रेलेवेंट है। अनअवॉइडेबल है तो वो रेलेवेंट नहीं है। जिसे हम अवॉइड ही नहीं कर सकते वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होगी। जिस तरह फिक्स कॉस्ट है वो तो आपकी इनकर होनी होनी है, तो वो अवॉइडेबल है? नहीं, वो अनअवॉइडेबल है। तो अगर हम रेलेवेंट की बात करें तो अवॉइडेबल कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट होगी, फ्यूचर कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? देखें, अगर मैं एक एक काम को छोड़ के कोई दूसरा काम करता हूं, तो जो दूसरे काम की कॉस्ट है, इसकी मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि मैं एक दफा एक बंदे के पास गया गाड़ी ठीक करवाने के लिए, और उसे मैंने कहा मैं बहुत इमरजेंसी में हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आप ही पहले मेरा काम कर दें। तो उसने कहा अच्छा, मेरे पास टाइम तो लिमिटेड है, मैं एक और काम कर रहा था जो मैं अब आपके लिए छोड़ूंगा और आपका ये काम करूंगा, पैसे मैं ज़्यादा लूंगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था जो मैं वहां से अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहा हूं, जो इस टाइम में मैं कमा सकता था, आपकी वजह से वो मैंने काम छोड़ा, तो वो भी मैं पैसे आपसे ही लूंगा। ये क्या है? किसकी एग्जाम्पल है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जाम्पल है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट होगी, अवॉइडेबल रेलेवेंट होगी, कैश फ्लो रेलेवेंट होगा, फ्यूचर इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेलेवेंट होगी। रेलेवेंट क्या नहीं है? संक कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट, जो चीज आप लगा चुके हैं वो क्या है? वो आपके डिसीजन को इफेक्ट नहीं करेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसीजन। वो तो पहले से एक चीज लग चुकी है, आप डिसीजन के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं आएगा। उसके अलावा अगर एक कॉस्ट है जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकता, फिक्स्ड है, तो वो भी मेरे लिए क्या है? रेलेवेंट नहीं है, इररेलेवेंट है। अब इसी तरह वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में अगर हम कंपेयर करें तो वेरिएबल जो एक्टिविटी के साथ बढ़ती है, तो इसका मतलब वो क्या है हमारे लिए? वो हमारे लिए रेलेवेंट है। और जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट हमारे लिए कभी भी रेलेवेंट नहीं है, जो उसने तो वो कमिटेड कॉस्ट है। अगर एक कॉस्ट जो कमिटमेंट आपने की हुई है, आपने वो कॉस्ट इनकर करनी ही करनी है, तो ऐसी कॉस्ट हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होगी। अच्छा, अब है जी लिमिटिंग फैक्टर एंड लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस। अब देखिए लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? जो आपकी एक्टिविटी को क्या कर दे? लिमिट कर दे। जैसा देखें, आपका जो आप में से वीडियो देख रहे हैं, कल किसी का अगर पेपर हो तो उसके पास लिमिटिंग फैक्टर क्या है? स्केयर रिसोर्सेस क्या है? टाइम। अब अगर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज जो हमारी एक्टिविटी को रोक रही है, हमें मैक्सिमम अचीव नहीं करने दे रही, तो वो क्या है? वो है लिमिटिंग फैक्टर। तो अगर हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर आ जाए, फिर हम क्या करते हैं? फिर हम कहते हैं जैसा कल पेपर हो, 4 घंटे बाद पेपर हो, तो आप क्या करेंगे? 4 घंटे बाद पेपर है तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि अब इस 4 घंटे में मैं वो काम करूं जहां पे मेरा रिटर्न मैक्सिमम हो, जहां से मुझे सबसे ज्यादा फायदा हो। हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरा यूट्यूब चैनल खोल लें कि 4 घंटे रह गए हैं, अभी हमने क्या करना है? हमने मॉक्स देखने हैं, हमने क्रैश कोर्स देखना है।
हो सकता है कोई बच्चे ने कोई और अपने नोट्स बनाए हो, वो नोट्स को कहिए मैंने आखिरी 4 घंटे में। अब हर बच्चे का डिफरेंट डिसीजन होगा, बट वो किस बेसिस के ऊपर होगा, वो देखेगा कि इन 4 घंटों में मैं मैक्सिमम रिटर्न कहां से ले सकता हूं। तो जहां से आप, क्योंकि आपके पास टाइम क्या आ गया, लिमिटिंग फैक्टर आ गया। तो जब हमारे पास कोई भी लिमिटिंग फैक्टर आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर को मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है। और लिमिटिंग फैक्टर जिस तरह हमने कह दिया, अगर हम आप इसी बात को हम ले जाते हैं कंपनीज में, तो जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हो सकता है रॉ मटेरियल हमारे पास क्या हो, लिमिटिंग फैक्टर हो, हो सकता है लेबर का टाइम जो है वो हमारे लिए लिमिटिंग फैक्टर हो, हो सकता है मशीन आवर्स हमारे लिए लिमिटिंग फैक्टर हो, मशीन हमारी एक कैपेसिटी हो उस वो 12 घंटे चल सकती है, वो हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर हो, हो सकता है हमारी डिमांड हमारे लिए लिमिटिंग फैक्टर हो, हम तो बहुत कुछ बना सकते हैं बट आगे कस्टमर उतना नहीं है, ये लिमिटिंग फैक्टर है। तो कोई भी चीज जो हमारे हम जिसकी वजह से हम अपना मैक्सिमम अचीव नहीं कर रहे, वो हमारा क्या है, लिमिटिंग फैक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करते हैं। और लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करने के बाद हमने क्या करना है, हमने मैक्सिमाइज करना है क्या चीज, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर मैक्सिमाइज करना। मेरे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल करते हैं, कहता है जी एक्स लिमिटेड मेक्स 2 प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। एक कंपनी है जो कितने प्रोडक्ट्स बना रही है, 2 प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर 5 kg, 1 यूनिट रिक्वायर 5 kg ऑफ मटीरियल एंड 2 आवर्स ऑफ लेबर, 2 आवर्स ऑफ लेबर, ठीक है। फिर क्या कहता है, 1 यूनिट ऑफ वाई रिक्वायर 4 kg, इसमें कितने लगते हैं जी, 4 kg लगते हैं। फिर क्या कहता है जी, सेम लेबर का 3 आवर्स लगते हैं। हमारे पास जो टोटल लेबर आवर्स मौजूद हैं वो कितने हैं, 2000 आवर्स हैं। हमारे पास मैक्सिमम लेबर कितनी है, 2000 आवर्स। हमारे पास जो मटेरियल है वो कितना है, 3000 kg। हमने, हमारी जो डिमांड है एक्स की वो है 300 यूनिट्स, और वाई की जो हमारे पास डिमांड है वो है 450 यूनिट्स। हमने देखना है कि हमारा लिमिटिंग फैक्टर कितना है। तो हम देखते हैं, देखें 1 यूनिट ऑफ एक्स रिक्वायर्स 5 kg, तो 300 × 5 तो हमारा कितने kg इस्तेमाल हो गया, 1500 kg इस्तेमाल हो गया अगर हम x बनाएंगे। अगर y बनाते हैं तो 450 × 4 तो ये कितना आ गया, 450 × 4 तो ये हमारे पास आ गया 1800। तो हमारे पास कितने कितने पड़े हुए थे, कितने kg पड़े हुए थे, 1500 kg पड़े हुए थे। अब हमें y बनाने के लिए कितने kg चाहिए, 1800 kg चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास शॉर्टफॉल आ गया कितने kg का, 300 का शॉर्टफॉल आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है मटेरियल जो है मेरे लिए क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है, मटेरियल मेरे लिए क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। अब मुझे कितने यूनिट एक्स के बनाने चाहिए, कितने वाई के बनाने चाहिए, ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। आज की वीडियो में हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, इससे पहले हमने अभी तक बात की रेलेवेंट कॉस्ट की, और इसके बाद अभी हम क्या बात कर रहे हैं, लिमिटिंग फैक्टर की। तो अब देखें हमारे पास लेबर कितनी थी, हमें मटेरियल का तो पता चल गया, लेबर टोटल कितनी थी, 2000 आवर्स। तो एक्स अगर मैं बनाता हूं, एक यूनिट पे कितने घंटे लग रहे हैं, 2, तो 300 यूनिट पे कितने घंटे लगेंगे, 600 आवर्स लगेंगे। तो देखें वाई के ऊपर हमारे कितने, 450 यूनिट्स हैं। एक्स हमने बना लिया, 2 घंटे लगने हैं, 300 यूनिट बनाने हैं, 600, तो कितने यूनिट्स, कितने आवर्स हमारे पास रह चुके हैं, कितने घंटे पड़े हुए हैं जी, 1400 घंटे पड़े हुए। अब हमने वाई बनाने हैं, कितने यूनिट्स बनाने,
450 यूनिट्स बनाने, एक यूनिट बनाने पे कितना मेरा, कितने घंटे चाहिए, तीन, तो 450 इंटू थ्री करें कितना आ गया, 1350। तो अभी भी अगर आप देखें तो मेरे पास 50 ऑर्स बचे हुए हैं। इसका मतलब मेरा लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा, लिमिटिंग फैक्टर जिसने मेरी एक्टिविटी को क्या कर दिया, लिमिट कर दिया, मुझे मैक्सिमम अचीव ना करने दिया, वो मेरे लिए क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। तो यहां पे हमारे पास दो चीजें थी, हमने दो प्रोडक्ट्स ली, प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर 5 kg पर यूनिट एंड प्रोडक्ट वाई रिक्वायर 4 kg पर यूनिट एंड प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर 2 hours पर यूनिट एंड पर यूनिट। हाउ मेनी यूनिट्स वी हैव टू प्रोड्यूस, 300 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 450 यूनिट्स ऑफ वाई। तो मटेरियल के अगर हम देखें तो टोटल अवेलेबल मटेरियल कितना था, 3000। अगर मैं एक्स बनाता हूं तो 300 मल्टीप्लाई बाय 5, 1500 मटेरियल यूज हो गया, तो रिमेनिंग मटेरियल कितना है, 1500। अब मुझे बाकी क्या बनाना है, वाई। वाई बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, एक यूनिट बनाने के लिए 4 kg चाहिए, तो 450 यूनिट्स बनाने के लिए कितने केजी चाहिए होंगे, 1800 केजी चाहिए होंगे। तो मेरे पास केजी कितने पड़े हुए हैं, 1500, मुझे चाहिए कितने, 1800। तो इसका मतलब ये मेरे पास जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इस मटेरियल ने मुझे अपना मैक्सिमम अचीव करने नहीं दिया, जो मेरी डिमांड थी वो मैं पूरी नहीं कर सकता। और लेबर के केस में देखें, 300 यूनिट पर यूनिट 3, तो 2 × 3 × 2 = 600, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या रह गए थे, 1400। अब देखें यहां पे मेरे पास क्या है, 450 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरे पास 1400 यूनिट्स थे और लेबर मुझे कितनी, वाइप बनाने पे कितनी लेबर लगनी है, 1350 यूनिट्स, 1350 ऑर्स। तो मेरे पास मजीद अभी भी स्पेयर कैपेसिटी है 50 की। तो इसका मतलब क्या है, अब मुझे वाई ज्यादा बनाना चाहिए या एक्स ज्यादा बनाना चाहिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बात करेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक था।